खुशियाँ हो, हर लम्हा हर कदम हो जब संग हम और तुम हमेशा। खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हर लम्हा हर कदम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिशी खान एंड यू वाचिंग थैंक यू सनोफी एवेंटस। व्यूअर्स, एक आम मुशाहिदा है कि जितने भी मालूमाती या सेहत से मुतालिक प्रोग्राम्स आते हैं उनको हम अपने दिल पे बड़ा जबर करके देखते या सुनते हैं, वरना मीडिया को हम सिर्फ एंटरटेनमेंट का ज़रिया ही समझते हैं। अक्सर ऐसे मालूमाती प्रोग्राम्स को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि हो सकता है कि ऐसे चंद मिनटों के जो प्रोग्राम्स हैं उनको देख कर आप अपने आप को या अपने घर वालों को किसी बहुत बड़ी बीमारी या कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। यही मकसद है सनोफी एवेंटस का कि हम आपको पाकिस्तान के लीडिंग और मुस्तनद डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स और फिजिशियंस के ज़रिए वो मालूमात पहुंचाते हैं जिसको जानने के बाद आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं पॉजिटिव चेंजेस और अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं बहुत ही खुशगवार तरीके से। और इसी कोशिश को सराहते हुए हम कहते हैं थैंक यू सनोफी एवेंटस, बिकॉज हेल्थ मैटर्स, क्योंकि पेशेंट्स बेनिफिट ही सनोफी एवेंटस की अवलीन तरजीह है। आइए आपको दिखाते हैं एक शॉर्ट स्टोरी। ये मास्टर फैजान हैं। रोजाना स्कूल से आते ही कोल्ड ड्रिंक पीना और टीवी देखना इनका मामूल है। ये अक्सर अपने भाई और दोस्तों के साथ बाहर खेलने के बजाय कंप्यूटर के गेम्स में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बायस इनका वजन रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। अपनी अम्मी के मना करने के बावजूद भी ये कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर्स खाने की ज़िद करते हैं, जिसकी वजह से इनकी अम्मी भी इनको अक्सर डांटती रहती हैं। रोज़ाना की तरह आज भी स्कूल से आने के बाद टीवी देखते हुए जब इन्होंने इत्तफाकन हाइपरटेंशन के बारे में सुना तो इन्हें एहसास हुआ कि इनका वज़न भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है और इसकी वजह खाने पीने में बदएहतियाती और एक्सरसाइज ना करना है, जिसकी वजह से ये भी मुस्तकबिल में हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। उस प्रोग्राम को देखने के बाद इन्होंने फैसला किया कि वो भी आज से अपने भाई और दोस्तों के साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे और खाने पीने में भी एहतियात करेंगे और एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे। Thank you, Sanofi Aventis, for this awareness. आपने शॉर्ट स्टोरी देखी, यकीनन आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसी लाइफस्टाइल का शिकार होंगे। आइए अब आपको सुनवाते हैं लोगों के कुछ कमेंट्स। Assalamualaikum viewers, इस वक्त हम नथिया गली में मौजूद हैं और यहाँ हम लोगों से कुछ बात करेंगे डायबिटीज और हाइपरटेंशन के हवाले से। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। अच्छा, कभी ब्लड प्रेशर चेक कराया आपने अपना? जी हाँ। तो क्या उसकी नॉर्मली आया? नहीं, नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं आपको कैसे पता? नॉर्मल बताया डॉक्टर ने, वो उसकी तकरीबन कह नहीं सकते कुछ। हाई ब्लड प्रेशर का कभी भी आपने वो चेकअप कराया हो कि हाई ब्लड प्रेशर जो है उसके बारे में पता है आपको? कितनी वैल्यूज हैं उसकी, कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना होता है? नहीं, ये भी नहीं पता। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे होता है, क्या वजह है? हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है, यानी कि इसका जड़ से खात्मा हो सकता है? यस सर। कभी आपने चेक कराया अपना ब्लड प्रेशर? अपना तो नहीं करवाया, पर किया खुद है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है? इतना तो हम भी नहीं जानते। नॉर्मल अंदाजन बस नॉर्मल यानी कि होना चाहिए। कभी चेक कराया आपने? मेरा तो फिलहाल अभी ठीक है। आपको कैसे पता ठीक है? आपको पता ही नहीं नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं? बस इसी तरह ही थोड़ी बस। नहीं, मेरे ख्याल में तो मालूम करना चाहिए ना, डॉक्टर भी जो बताया कि हाँ क्या। अब अगर कोई बताए आपको कि आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो 200/90 खुदा ना खास्ता, तो आप और कह दें नॉर्मल है? वो तो इस तरह से है कि अगर हमें ये महसूस हो कि हमने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है या कुछ हमें लगता है, तो उस सूरत में हम दिखा सकते हैं डॉक्टर को कि हमें इस तरह से कोई मर्ज़ है। कैसे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हो गया? उसकी वजूहत है कि सर में दर्द होना या वैसे आपको चक्कर आना कोई वगैरह वगैरह इस तरह से चीज़। लोगों के कुछ कमेंट्स सुने आपने, आइए देखते हैं कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो इंसान का है वो तकरीबन 130-80 तक होना चाहिए हर उम्र में, और इससे कम रहना चाहिए।
जब ये 140 और 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस वक्त इसको हाई ब्लड प्रेशर, दैट जिसका मतलब ये है कि अब जो प्रेशर है जो आर्टरीज पे आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है। जितना ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है उतने उसके जिस्म पे असरात और उसकी कॉम्प्लिकेशंस की भी ज़्यादती हो सकती है। आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर सनी से और देखते हैं कि वो आज डॉक्टर से क्या पूछते हैं। थैंक यू सनोफी एवेंटिस। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की वजूहात क्या है? ब्लड प्रेशर के बेसिकली दो मुख्तलिफ टाइप्स के हम डिफ़ाइन करते हैं। पहले तो एक जो असेंशियल है जो 90% से 95% लोगों में होता है और जो वरासत में मिलता है और उम्र के साथ बढ़ता है, और दूसरी टाइप जो होती है जो कि 5% या थोड़े से ज़्यादा लोगों में होता है, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है जो किसी और अज़ा की पूरे काम ना करने की वजह से होता है, खसूसी तौर पर गुर्दे की वजह से। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन किन लोगों को होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं? मेरा ख्याल है एक तो ये है कि ऐसे लोग जिनका वज़न ज़्यादा हो और जो इनएक्टिव हों, जिनका एक्सरसाइज लेवल कोई ना हो, जिनमें सॉल्ट इनटेक ज़्यादा हो। पहली हाई रिस्क तो वो कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा है, और वो है जिनकी ख़ानदान में ये बीमारी चली आ रही है। चूँकि हमने पहले कहा था कि ये वरासत में मिलती है, तो वरासत में जहाँ पर भी होगी उस के चांसेस ज़्यादा हैं, खसूसी तौर पे जूं जूं उम्र बढ़ती जाएगी। दूसरी कैटेगरी है मोटापा और शुगर के मरीज़, चूँकि इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक वजह हमें पता चली है ब्लड प्रेशर की, तो इनमें ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है कि इनको भी ब्लड प्रेशर अभी नहीं तो बाद में हो जाएगा। तीसरी ग्रुप वो है जिनको के गुर्दे की बीमारी है, उनमें भी आम तौर पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी विल बी राइट बैक।